हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में सोमवार को एक अहम बैठक होने वाली है। इसमें आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर पार्टी की रणनीति तय होगी। साथ ही इसमें तीन कृषि कानूनों और किसानों के विरोध प्रदर्शन पर भी चर्चा होगी। संयुक्त किसान मोर्चा ने लखीमपुर खीरी नरसंहार मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्र को मंत्री पद से बर्खास्त करके तुरंत गिरफ्तार करने की मांग के साथ न्याय सुनिश्चित करने के लिए घोषित कार्यक्रम के तहत 18 अक्टूबर को रेल सेवाएं बाधित की जाएगी। हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती यानी HR&CE विभाग द्वारा अपने कॉलेज में विभिन्न पदों के लिए केवल हिंदुओं को आमंत्रित करने वाले दिए गए विज्ञापन से राज्य में हंगामा खड़ा कर दिया है। कई व्यक्ति और संगठन इसके खिलाफ सामने आ गए हैं। आपको बता दें कि तमिलनाडु में केवल हिंदुओं के लिए नौकरी विज्ञापन को लेकर हंगामा हो रहा है। एडमिरल गिल्डे ने ट्वीट कर कहा था कि किसी गलतफहमी में मत रहिए, भारतीय नौसेना हमारी करीबी सामरिक साझेदारों में से एक है और हमारे रिश्ते की मजबूती का आधार खुला और मुक्त प्रशांत क्षेत्र है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल पहले संसद में मॉब लिंचिंग के लिए अलग से विशेष कानून बनाने की स्तुति की थी। शीर्ष अदालत ने कहा था कि इस बारे में विशेष कानून से उन लोगों में भय पैदा होगा जो इस तरह की घटनाओं में शामिल होते हैं। भारी बारिश का कहर केरल में कल देखने को मिला है। आलम यह है कि यहाँ पर बाढ़ और भूस्खलन के चलते काफी संख्या में लोगों की जान चली गई है। लोगों को बचाने के लिए सेनाएं लगी हुई है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कश्मीर में 24 घंटे के अंदर आतंकवादियों ने रविवार शाम को दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में एक घर में घुसकर बिहार के 2 श्रमिकों की हत्या कर दी। इस बीच इंटरनेट मीडिया पर कई तरह की अफवाहों का बाजार गर्म हो गया है। अरुणाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख तक भारत और चीन के बीच करीब 3,400 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। चीन की सेना की तरफ से बार बार सीमा का उल्लंघन किया जाता है। पिछले साल गलवाड घाटी में सेनाओं के बीच खूनी संघर्ष हुआ था। वहीं अरुणाचल प्रदेश में इजरायली ड्रोन से चीनी सेना की हरकतों पर नजर रखी जा रही है। महंगाई पर विपक्ष के बढ़ते हमलों का सरकार ने आंकड़ों के साथ जवाब दिया है। सरकार ने कहा है कि पिछले साल की तुलना में आलू, प्याज और टमाटर की कीमतें अभी भी कम हैं। प्याज की कीमत को कम करने के लिए उसका बफर स्टॉक जारी किया गया है और आलू एवं टमाटर की कीमतों को भी नीचे लाने का प्रयास किया जा रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान देश में 41.220 लाख कोरोना के टीके लगाए गए हैं। केंद्र सरकार की तरफ से राज्य और केंद्रीय शासित प्रदेशों को अब तक 1.01 करोड़ डोज मुहैया कराई गई है। कुछ ही दिन में टीकाकरण अभियान 100 करोड़ का आंकड़ा छू लेगा। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।